और कल तक झारखंड की सियासत में संथाल का पारा हाई था, लेकिन अचानक से चंपाई सोरेन नाम के आए तूफान ने कोल्हान की राजनीति को चर्चा का केंद्र बिंदु कर दिया है। सवाल ये कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव में संथाल बनाम कोल्हान वाली लड़ाई होने जा रही है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 18 अगस्त 2024, यानी इस तारीख से पहले सत्ताधारी दल जेएमएम का संथाल और कोल्हान में अपने वर्चस्व का दावा रहा है, लेकिन इस तारीख के बाद जेएमएम के खिलाफ कोल्हान में उसके ही संस्थापक चेहरे चंपाई सोरेन पार्टी को चुनौती देते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी संथाल या कोल्हान में जो मौका खुद के लिए तलाश रही थी, वो चंपाई के पोस्ट के रूप में सामने आ चुका है। अब शायद विधानसभा चुनाव में संथाल का रोचक मुकाबला कोल्हान के साथ देखा जा सकता है, लेकिन अलग राह पर चल पड़े चंपाई सोरेन पूरे कोल्हान की 14 सीटों पर कितना बड़ा फर्क पैदा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तो वहाँ रहने लायक नहीं रह गया, क्योंकि वहाँ तो बहुत पीड़ित हैं, उनका बहुत अपमान हुआ है, वो अंदर से टूट गए हैं। तब तो कहीं जाएंगे जहाँ वो अपनी नई पारी खेलें, या जो मिले उनके साथ में हो जाए या संन्यास ले लें। जो कदम वो उठा रहे हैं या उठाने का संकेत है, उसमें खुद एक आत्मघाती कदम मैं मानूंगा उनके लिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे सूरमा थे पार्टी में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया था पार्टी छोड़ने का, कई एक तो विलीन हो गए और कई एक वापस आना पड़ा उनको। चंपाई ने जेएमएम छोड़ा है, लेकिन अगली कौन सी राह पकड़ी है इसका अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। समीकरण की बात करें तो 81 विधानसभा सीट वाले झारखंड में संथाल में कुल 18 सीटें तो कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं। आरक्षित सीटों की बात करें तो संथाल में 7 सीट आरक्षित है, जबकि कोल्हान में 9 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में कोल्हान में लड़ाई हेमंत सोरेन वर्सेस चंपाई सोरेन की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन चर्चाओं का क्या? वास्तव में चंपाई सोरेन जी के दिल में कौन सी बात है, क्या करने वाले हैं? वो किसी पार्टी का दामन थामेंगे या कोई तीसरा विकल्प चुनेंगे, ये तो चंपाई सोरेन जी ही जानते हैं। क्रिकेट, राजनीति और मौसम, इन तीन के बारे में भविष्यवाणियां बहुत खतरे से खाली नहीं होती हैं। कब ये पलट जाए, आखिरी गेंद पर जो है छक्का लग जाता है, आखिरी और दो गेंद में जो है दो विकेट चला जाता है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। चंपाई सोरेन दिल में लगी चोट और पीड़ा को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन वह अपनी पीड़ा की दवा कहां तलाशते हैं, इस पर सबकी नज़र है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो होगा ही, लेकिन एक बड़ा मुकाबला हेमंत सोरेन के संथाल और चंपाई सोरेन के कोल्हान के बीच भी होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। तो चंपाई सोरेन ने अपनी अगली चाल चल दी है, लेकिन उनका ठिकाना कहां होगा इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन चंपाई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने को लेकर राजनीति में नफा और नुकसान वाला आकलन अभी से शुरू हो चुका है। चंपाई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी ने झारखंड की राजनीति को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से झारखंड के आंदोलनकारी नेता अपनी ही पार्टी से नाराज होकर विधानसभा चुनाव से पहले नई चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनकी ये नाराजगी पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकती है। चंपाई सोरेन राज्य भर में कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। चंपाई सोरेन सरायकेला की सीट से संयुक्त बिहार के वक्त से अब तक विधायक हैं। इस दौरान चंपाई सोरेन श्रम मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, परिवहन, अनुसूचित जनजाति मंत्री समेत राज्य के मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया। कोल्हान की सभी सीट पर चंपाई सोरेन की मजबूत पकड़ बताई जाती है। इस क्षेत्र के विधायक भी चंपाई सोरेन को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में देखते हैं। इधर चंपाई सोरेन की नाराजगी पर जेएमएम भले ही नुकसान नहीं बताए, लेकिन कांग्रेस अब भी मानती है कि चंपाई सोरेन गठबंधन के मजबूत स्तंभ रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि डाल से जो शाखाएं टूट जाए वो जुड़ती नहीं है, वो बिखर जाती है।
तो डाल से अगर चंपई सोरेन जी भी टूट रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए भी आगे परेशानी का सबब होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपाई सोरेन के इस कदम को आत्मघाती बता रही है। जेएमएम का दावा है कि चंपाई सोरेन के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होगी बल्कि उनको बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इस मौके को लपकने को तैयार बैठी बीजेपी का दावा है कि चंपाई सोरेन ने जेएमएम को जोर का झटका धीरे से दिया है क्योंकि वे जेएमएम में परिवार से बाहर शिबू सोरेन के बाद नंबर दो की हैसियत रखते थे। चंपाई दा को अंततः नुकसान होगा, व्यक्तिगत रूप से उनको नुकसान होगा और हम लोग को तकलीफ होगी। लेकिन सबसे पुराने नेता थे, शिबू सोरेन के समकक्ष थे, उसी आयु ग्रुप के भी लगभग वो थे, और 40 वर्ष जिस व्यक्ति ने पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी को दे दिया, कोल्हान क्षेत्र में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है, कोल्हान टाइगर कहा जाता है, तो उनके छोड़ने से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी इनकार नहीं कर सकती कि उसे नुकसान नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा। अब देखना होगा कि चंपाई सोरेन का ये कदम आने वाले विधानसभा चुनाव में आत्मघाती साबित होता है या जेएमएम को आघात पहुंचाने वाला होता है। झारखंड की राजनीति में चंपाई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी कितनी असरदार होगी ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा भले ही ये कह ले कि चंपाई सोरेन आत्मघाती हमला कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ये कहते हुए नहीं थक रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये बड़ा झटका है और चंपाई सोरेन राज्य के कोल्हान टाइगर हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची।